अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं एक ऐसे नौजवान से मिला जिसने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और बहुत अच्छी जॉब पर वो सेटल हो गया। बड़ी अच्छी पोजीशन थी उसकी और एक हैंडसम सैलरी ले रहा था। लेकिन देखते ही देखते उसने मुझे बताया कि मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने अपना चाय का बिजनेस शुरू कर लिया। मैं ये बात उसकी सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे पूछा कि ऐसी क्या रीज़न है कि तुमने इतनी अच्छी एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब छोड़कर और MBA किया हुआ तुमने और तुमने चाय का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो भी छोटा सा। उसने मुझे बताया कि इस बिजनेस से मैं अपने जो मुझे सैलरी मिल रही थी उससे मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और उससे ज़्यादा मैं सेटिस्फाई हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इसमें मैं अपनी मर्जी करता हूँ, जब दिल किया दुकान खोल ली, जब दिल किया बंद कर ली। उसने अपने चंद मुलाजमीन रखे और एक छोटा सा सेटअप लगाया और अपना कारोबार शुरू कर लिया। क्योंकि एक पढ़े लिखे और समझदार नौजवान की निशानी ही ये है, उसने थोड़ी देर जॉब की, पैसा कमाया और अपना कारोबार सेट कर लिया और उस एक छोटे से चाय के बिजनेस से वो अपनी जॉब से ज़्यादा पैसा कमा रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो खुश था उस बिजनेस में, ना किसी बॉस की टेंशन, ना किसी सीनियर की टेंशन। वो कहते हैं ना कि नौकरी जितनी ही बड़ी मर्जी हो एक ना एक दिन चली ही जाती है, और कारोबार जितना ही छोटा हो, जितना छोटा मर्जी हो, एक ना एक दिन चल ही जाता है। तो ये जॉब और बिजनेस डिफरेंस था। उस नौजवान की बातों से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे नौजवानों का ज़्यादातर मसला ये है कि हमारा निज़ाम नहीं ठीक। निज़ाम को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने आप को बदलो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो और बिजनेस स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।